आईपीएल सीजन 2019 का जयपुर में दूसरा मैच होने जा रहा है। इस दौरान एसएमएस स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की टीम आमने सामने होगी। दोनों टीमों के खिलाड़ी सोमवार शाम को ही जयपुर पहुंच चुके हैं। इस सीजन में दोनों टीमों का प्रदर्शन अब तक निराशाजनक रहा है। जहां पर राजस्थान रॉयल्स की टीम अभी तक अपने तीनों मुकाबले हार चुकी है, तो वहीं पर आईपीएल का उद्घाटन मैच खेलने वाली बैंगलोर की टीम को भी लगातार तीन मैचों में हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में दोनों ही टीमें जीत का खाता खोलने के इरादे से मैदान पर उतरेंगी। वहीं मैच देखने के लिए दोनों टीमों के प्रशंसक अभी से एसएमएस स्टेडियम में पहुंचना शुरू हो गए हैं। हम यहाँ पे टिकट स्टूडेंट 500 वाले टिकट लेने आ रहे हैं, लेने जब हम आके पहुँचते तो हमको बोला जाता है कि टिकट सोल्ड आउट हो गए। हम चार दिन से यहाँ पे आ रहे हैं और जो चेन्नई का मैच है 22 तारीख को, मुंबई इंडियंस का 20 तारीख को है, तो उसके टिकट के लिए 500 वाले के लोग बोल रहे हैं कि सोल्ड आउट है। तो बताओ 20 दिन पहले के टिकट यहाँ पे सोल्ड आउट ऐसे कैसे हो रहा है? हम यहाँ पे आ रहे तो हमको टिकट नहीं मिल रहा, हम स्टूडेंटों को तो 500 वाला टिकट चाहिए ना, हम नहीं ले सकते इतना टिकट। हमको भी मैच देखने, हमको भी इंटरेस्ट है, हम भी क्रिकेट खेलते हैं, हम भी राजस्थान रॉयल्स के फैन हैं, हम भी विराट कोहली के फैन हैं, राणे के फैन हैं, हम भी क्रिकेट को देखते हैं, तो हमको भी 500 वाला टिकट चाहिए। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में आज आईपीएल का दूसरा मुकाबला होगा और ये मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच में होगा। इस मुकाबले को लेकर तमाम जो स्टेडियम तैयारियां कर ली गई, जहां जो इस एसएमएस स्टेडियम में आज शाम 8 बजे से मैच स्टार्ट होगा और उसी के साथ साथ लगातार इनके बीच सुरक्षा के बीच में यहां जो मैच है वो आयोजित करवाया जाएगा। इसको लेकर दोनों टीमों के खिलाड़ी है वो देर रात जयपुर पहुँच चुके हैं और उसी के साथ में आज तैयारियों के साथ में मैदान में उतरेंगे। हालाँकि अभी तक राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने एक भी मैन की मैच अपने जीत के खाते में नहीं डाला है और उसी को लेकर जीत की उम्मीद को लेकर आज राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर दोनों इनकी एसएमएस स्टेडियम में जीत की उम्मीद को लेकर उतरेगी। उसको लेकर हमारे साथ कुछ दर्शक भी है, उनसे भी जानना चाहेंगे, वो भी स्टेडियम में मैच देखने के लिए आए हैं। लेकिन स्टेडियम में जो तमाम तैयारियों के साथ साथ जो टिकटों का वितरण, जो नीची दरों की जो टिकट है उनका इनकी जो पूरी खत्म हो चुकी है और उसको लेकर भी यहाँ पे टिकट के लिए भी लगातार इनकी बड़ी संख्या में दर्शक पहुँच रहे हैं। उनसे जाना किस प्रकार इनकी टिकटें नहीं मिल रही, फिर भी एक उत्साह है मन में देखने? बहुत उत्साह है, अपन तो टिकटें नहीं मिल रही बहुत दिनों से, मैं एक हफ्ते से परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा टिकटों के लिए उत्साह था मैच देखने के लिए, फिर भी टिकटें नहीं मिल रही। कई लोग बोलते हैं कि शाम तक टिकटें मिलने की तैयारी होगी, काउंटर खुलेगा उसके बाद में टिकटें मिलेगी, फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि हमको टिकट मिले, मैच देखने का बहुत शौक है। कैसे देखते हो आज के मैच को, राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच में होगा उसको? सर राजस्थान बहुत टीम है, वो जीतेगी आज, कंफर्म जीतेगी, 100% जीतेगी सर, और तीनों मैच हार चुकी मगर आज जीतेगी सर। दूसरा मैच मुकाबला है आज राजस्थान रॉयल्स का, मगर सर आज जीतेगी। यो राजस्थान रॉयल्स, राजस्थान रॉयल्स। कोहली भी अपनी टीम के साथ में आज मैदान में उतरेंगे? यस सर, कोहली भी मुझे लगता है कि बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे आज, लेकिन मुझे एबी डिविलियर्स को देखना था तो इसलिए मैं आज स्टेडियम में आया हूँ। एबी डिविलियर्स से भी मुझे बहुत उम्मीदें हैं, वो अच्छा खेलेंगे आज। बाकी जोस बटलर है, जोफ्रा आर्चर है और अपने अजिंक्य रहा है राजस्थान के, वो जरूर लेकिन मैच को जिता जाएंगे। राजस्थान रॉयल्स, देखिए राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर दोनों के इनकी जो दर्शक है, जो प्रशंसक है, वो लगातार एसएमएस स्टेडियम में जुटना शुरू कर दिए। देर रात शाम 8 बजे के बाद में यहाँ एसएमएस स्टेडियम में दोनों टीमों के बीच में कड़ा मुकाबला होगा। जयपुर से रामरतन सैनी के साथ लोकेश ओला, A1 TV। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।